इस वीडियो में हम इन्वेस्टर के सबसे बड़े सवाल कि किस स्टॉक में इन्वेस्ट करें, ब्लू चिप स्टॉक में, लार्ज कैप स्टॉक में, मिड कैप, स्मॉल कैप, माइक्रो कैप, किस स्टॉक में हम इन्वेस्ट करें, क्योंकि इन्वेस्टर यूट्यूब पर देखते हैं अलग अलग तरह के चैनल्स हैं, कोई माइक्रो कैप बता रहा है, कोई स्मॉल कैप बता रहा है, कोई मिड कैप बता रहा है, कोई ब्लू चिप बता रहा है, कोई निफ्टी 50 के सिर्फ स्टॉक में इन्वेस्ट करने की बात कर रहा है, तो वहीं दूसरे कहते हैं कि निफ्टी 50 के स्टॉक में इन्वेस्ट करके आप कभी वेल्थ जनरेट नहीं कर सकते हैं। तो इस वीडियो में हम इसी बात पर चर्चा कर रहे हैं कि किस स्टॉक में आपको इन्वेस्ट करना चाहिए। देखिए, स्टॉक फंडामेंटली स्ट्रांग होना चाहिए, चाहे वो ब्लू चिप है या लार्ज कैप स्टॉक है, मिड कैप है, स्मॉल कैप है या माइक्रो कैप है, इससे कोई दिक्कत नहीं है। अब इसमें दिक्कत क्या है, वोलेटिलिटी का। अगर आप माइक्रो कैप को बाय करते हैं, हम नीचे से चलते हैं, माइक्रो कैप में आप इन्वेस्ट करते हैं, अगर आपने इन्वेस्ट किया मार्केट जब ऑल टाइम हाई पे है और मार्केट वहां से गिरा, तो कई माइक्रो कैप ऐसे होते हैं जो 90% तक का करेक्शन दिखाते हैं। तो क्या आप 90% के करेक्शन तक का वेट कर सकते हैं, उसमें इन्वेस्टेड रह सकते हैं? बिल्कुल नहीं रह सकते हैं। तो यहाँ पर आपको स्टॉप लॉस आपका पता होना चाहिए, कहाँ पर आपको निकल जाना है। या तो आप पूरी तरह से एक्सपर्ट हैं, जब स्टॉक अपना बॉटम फाइंड आउट कर रहा है, बॉटम बना रहा है, जिस तरह से आप न्यूज में सुनते हैं राउंडिंग बॉटम फॉर्मेशन है, और यहाँ पर आपको इन्वेस्ट करनी चाहिए। तो बस वही आपको यहाँ पर करना है कि जब आप माइक्रो कैप, स्मॉल कैप और मिड कैप में इन्वेस्ट करते हैं, तो आपको राउंडिंग बॉटम फॉर्मेशन जो होता है वहां पे इन्वेस्ट करना पड़ेगा। तो यही दिक्कत है माइक्रो कैप में, फिर यही दिक्कत है स्मॉल कैप में, ये भी आपको 50% 60% का करेक्शन दिखाएगा, फिर स्मॉल कैप से थोड़ा सा कम करेक्शन दिखाएगा मिड कैप, ये आपको 30% 40% का जब मार्केट कोई क्रैश होता है तो वहां पर दिखाएगा, वहीं लार्ज कैप ये आपको 20% तक का करेक्शन दिखाएगा। अब हम बात करें 2020 का जो बहुत बड़ा मार्केट क्रैश था, ऐसा क्रैश 10 साल में एक बार आता है, लेकिन जो छोटे मोटे क्रैश होते हैं वो आते रहते हैं, वहां पर लार्ज कैप स्टॉक्स आपको 10% 20% 30% तक गिरेंगे, उससे ज्यादा नहीं। वहीं ब्लू चिप स्टॉक जितना मार्केट गिरेगा उतना ही गिरेगा, क्योंकि स्टॉक मार्केट को जो चलाता है वो ब्लू चिप स्टॉक, जैसे निफ्टी 50 को हम लोग ट्रैक करते हैं बेंचमार्क इंडेक्स के रूप में, तो निफ्टी में 10% वेटेज अकेले रिलायंस का, 10% अकेले वेटेज HDFC बैंक का, इसी तरह जो 30-40% वेटेज तो टॉप 10 स्टॉक्स के ही है, तो मार्केट को कौन चला रहा है, ये ब्लू चिप स्टॉक्स, फिर इसको फॉलो करता है ये सारे स्टॉक्स, इसलिए आपको कहा जाता है कि आप ब्लू चिप स्टॉक में इन्वेस्ट करें अगर आप न्यू हैं मार्केट में। जैसे जैसे आप मार्केट में एक्सपीरियंस होते जाएंगे, आप खुद का अपना स्ट्रेटेजी बना सकते हैं, आपको मिड कैप, स्मॉल कैप, लार्ज कैप, माइक्रो कैप किस में इन्वेस्ट करना है और कहाँ इन्वेस्ट करना है, तो सारा चीज जो डिपेंड करता है वो आपके एक्सपीरियंस पे, आपके नॉलेज पे। तो रिटर्न सारे स्टॉक में इन्वेस्ट करके जनरेट किया जा सकता है, बस वोलेटिलिटी का फर्क है, माइक्रो कैप में वोलेटिलिटी अधिक होता है, ब्लू चिप में वोलेटिलिटी सबसे कम होता है, और इसके बीच ये सारे स्टॉक्स में वोलेटिलिटी होता है, लेकिन जिसमें भी इन्वेस्ट करें वो फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग स्टॉक्स होना चाहिए, तभी आपके यहाँ पर वेल्थ जनरेट होगा, तभी आप यहाँ से अर्निंग कर पाएंगे। ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। यूट्यूब के लेटेस्ट वीडियोज, ब्रेकआउट स्टॉक्स और जो कुछ भी मैं यहाँ शेयर नहीं कर पा रहा हूँ, साथ साथ स्टॉक मार्केट के लेटेस्ट न्यूज के लिए टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन करें, लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। साथ ही साथ आप टेलीग्राम पे स्टॉक बाजार ओरिजिनल सर्च करें और इस तरह का कुछ आइकन दिखेगा, उसे ज्वाइन कर लें।